किलर सूप, ये एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 55 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक लड़की स्वाति की कहानी जिसका ख्वाब और चाहत है अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बनाने का, लेकिन स्वाति के लिए अपनी इस चाहत को पूरा करना मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है और फिर स्वाति अपने लवर जो बिल्कुल उसके हस्बैंड की तरह ही दिखता है उसको अपने हस्बैंड से रिप्लेस करने का फैसला करती है। और फिर कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज एक सिली ओवर द टॉप स्टाइलिस्टिकली एग्जीक्यूटेड क्राइम थ्रिलर है और ओवरऑल एक फन टू वॉच एक्सपीरियंस है। बस अगर आप इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपने इस सीरीज को देखते हुए अपने दिमाग का ज्यादा यूज नहीं करना है और ना ही शो को ज्यादा सीरियसली लेना है। बस जो भी क्रेजीनेस इस सीरीज में चल रही होती है अगर आप उसको बिल्कुल वैसे ही एंजॉय करेंगे तो फिर ये शो आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगा। इस सीरीज में आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपको इस शो से डिसेंटली एंगेज करके रखेंगे और कहानी में आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस भी सीरीज में अच्छी है और सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ ये है कि एक तो कहानी में आपको काफी लूप होल्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये शो देखते हुए आपने अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। प्लस आपको कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन उनमें से ज्यादातर ट्विस्ट आप लोग काफी पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे और ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है शो में उसी की वजह से जो सीरीज की लेंथ है वो आपको शो के मिडिल पार्ट में काफी फील होगी। मेरी नजर में ये शो इजीली 6 एपिसोड्स के अंदर खत्म किया जा सकता था, 8 एपिसोड्स की जरूरत नहीं थी। बाकी कैरेक्टर्स इस शो के इंटरेस्टिंग हैं लेकिन आपको उनमें कोई खास इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। खैर इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक अच्छी टाइम पास की सीरीज है। अगर आप लोगों को डार्क कॉमेडी थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर ये शो देखकर आप अपना एक काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। बस हां ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस शो में आपको कुछ एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, एडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। और हां इस सीरीज के सीजन 1 को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज की वो कंप्लीट है, आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।